हेलो, मैं अंजलि गोठाने, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे चिकन की ग्रेवी किस तरह बनाते हैं, तो चलिए देखिए। दो बड़े प्याज काट के लिए हैं, ड्राई कोकोनट 2 इंच का टुकड़ा, साबुत धनिया लिया है आधा कटोरी, और पॉपी सीड्स यानी कि खसखस 2 चम्मच। यहाँ पे 1 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का, 1 गाठी लहसुन लिया है, 2 तेजपान लिए हैं, थोड़ा दगड़ फूल लगेगा, 5-6 अपने छोटी इलायची लगेगी, लौंग लगेगी 7-8 लौंग लिया है, और 1 बड़ी इलायची ली है, दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का, और काली मिर्च आधी छोटी चम्मच, और 1 स्टार फूल लिया है, और ये जावित्री है, थोड़ी लगेगी जावित्री। सबसे पहले हम धनिया भून लेते हैं। पॉपीसीड्स, ये हो गया है, निकाल लेते हैं इसे। ड्राई कोकोनट, ड्राई कोकोनट भी अच्छे से हो गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। अभी प्याज अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं इसे। एक साइड में हम अपने खड़े मसाले भी भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 मिनट हम इसे भूनेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। इसे निकाल लेते हैं। प्याज को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। अभी हम इसे मिक्सी में से निकाल लेते हैं। ये हमारा ड्राई मसाला पीस के हो गया है। अभी हम इसमें अदरक और लहसुन डाल देंगे, इसे भी पीस लेंगे। प्याज भी हमारा हो गया है, गैस बंद कर रही हूँ, इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। अभी हम इसमें प्याज डालेंगे और इसे भी अच्छे से पीस लेंगे। इस तरह से हमारा मसाला बनके रेडी है। मैं इसको निकाल लेती हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैं सब इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देती हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।